मेरा मैसेज जो इंटरमीडिएट के मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए होगा एक तो आई वुड ऑल विश दम ऑल द बेस्ट आई थिंक दिस वॉज वेरी हैप्पी ईयर फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज एवरीबडी इज़ डिक्लेयर्ड पास विच इज़ क्वाइट पॉजिटिव कंसिडरिंग दर्कमस्टांसिस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर करियर आई एम इफ आई हैव टू टू टॉक है स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वो आपके करियर का एक पॉइंट है जहाँ से इट्स गोइंग टू बी इधर द मेकिंग और द ब्रेकिंग ऑफ योर करियर सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग द राइट करियर फॉर यू और आमतौर पर जो गलतियाँ कुछ जो हम करते हैं मेरी ऑब्जर्वेशन में जो है वर्ती सेवन ईयर्स आई हैव सीन पीपल नॉट टेकिंग इट वेरी वेरी क्रिटिकल उनको लगता है कि दे वॉन्ट टू बिकम सम थिंग दे वॉन्ट टू हैव अ प्रोफेशन अडोप्ट अ प्रोफेशन ऑफ सम थिंग लेकिन दे स्टिल डू वट अदर्स आर डूइंग और वो जो एक शीप uh, फॉलोइंग वाला जो कल्चर है हमारा वो प्रिवेल कर जाता है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट तो आपको मैंने अपने इफ़ आई कोड शेयर विद यू मेरे एक्सपीरियंसिस एज अ टीचर एज अ एजुकेशनिस्ट एज अ रिसर्चर एज वेल वो ये है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आपकी फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी उस फील्ड में उतना ही द परफॉर्मेंस इज को इन टू भी बेटर उतना ही यू विल बी प्लेंग फॉर अ बिगर इनिंग जिसको हम लंबी रेस का घोड़ा कहते हैं um, समबडी हु इज़ जस्ट लाइक अ डॉक्टर और एन इंजीनियर बिकॉज दीज आर दू प्रोफेशन जो हम बड़े प्रोफाउंडली फॉलो कर रहे होते हैं आप देखें एक डॉक्टर बनने के लिए यू डोंट हैव टू डू अ मास्टर इन अदर सब्जेक्ट एंड देन यू स्टडी मेडिकल एंड टू बिकम अ डॉक्टर आपको फ्राम दी वेरी कितने साल का साइंस का नॉलेज आपका फोकस हो रहा होता है यू हैव टू डू योर मेट्रिकुलेशन इन साइंस या ओ लेवल्स में आपको साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने जरूरी हैं देन यू गो फॉर एन एफ एस सी अगेन दो साल वो उसके बाद फिर आपका एक स्टार्ट होती है मेडिकल की ट्रेनिंग और इसीलिए दे दे आर यूजुअली हाई परफॉर्मर्स सेम गोज़ फॉर इंजीनियर्स क्योंकि एक नंबर ऑफ ईयर्स उनका किसी और चीज़ की बजाय फोकस उस लाइन में काम वो पढ़ रहे होते हैं सीख रहे होते हैं अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे होते हैं सो so, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इंटरमीडिएट के बाद वैसे तो मैट्रिक के बाद ही लेकिन इंटरमीडिएट के बाद तो खास तौर पर इट्स अ पॉइंट जहाँ पे यू रियली हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक एंड वेरी एम्बिशियस एट द सेम टाइम